वाली थी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अपने अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंड पे आ गई एक बड़ा अच्छा सरप्राइज देने वाली। सरप्राइज आपके लिए तो क्या है, मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरे बच्चे का सरप्राइज है इसलिए। लेकिन आप भी तो मेरे साथ खुश होते हैं क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं। तो पहले मैं आपको बाकी भी अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, कुछ मैंने शॉपिंग वगैरह की है, और जो है सरप्राइज वो आपको एंड पे आके बता देंगे। क्या था आ गई है बीच में, चले कोई बात नहीं है, आपने थोड़ा सा देख लिया होगा लेकिन आपको सही तरह पता नहीं चला कि क्या है। तो फ्रेंड्स, इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरे बेबी का सी लाइक छोटे। मैं पहले वो ले गई थी साशिया टाइप ऑफ, यू नो, ट्राई करने के लिए कि इसको फ्लेवर पसंद आता है कि नहीं। एक दो दिन इसने खाया, तीसरे दिन इसने वॉमिट किया, चौथे दिन फिर इसने खाया, फिर इसने वेस्ट किया, मतलब ये कि आगे पीछे दिन करके ना इसने, तो मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं खा रहा, लेकिन ज़बरदस्ती उसको जो है ना मोबाइल पे टिकटॉक दिखा दिखा के ज़बरदस्ती खोल सी जाती हैं चीज़ें, बनाना हो गया ये चीज़ें। तो थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए, मैं भी इसके लिए स्टार्ट करूँगी हाफ बॉयल जो होता है। उसके बाद ये है फ्रेंड्स मेरे वीटेबल बिस्किट, डाइट को ओवर वीटेबल मेरे घर में आनी बानी हुई, लेकिन डाइटिंग में कोई पक्की वाली कोई नहीं जा रही। ये है मसाला स्पैक्टिस, और ये है एलमंड्स, ये हैं फ्रूटियन, फ्रूटियन नहीं सॉरी फ्रूट पॉप टाइप, ये हैं क्लियर, और ये मैक्रोनीज, ये सुरख मिर्ची, मिर्ची जो डालते हैं ना मसाले बातों पे भी, हर चीज़ पे जो डाल सकते हैं आप, और ये है चने की दाल। आप कह रहे होंगे बढ़िया आ रही है इनके घर में चने की दाल, इस चक्कर में आ रही है कि हमारे घर में बन रहे हैं शामी। फ्रेंड्स, ये है मार्स, और ये बाउंटी, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बच्चे आते हैं ना, ये हेल्पर्स आती हैं घर में, फिर उनको खिलानी होती हैं। आज इनके पास ना पैक नहीं थे, बॉक्सेस जो होते हैं फुल, तो वो लेकिन अच्छी हैं, वहाँ पे भी हेल्पर जो है वो बहुत अच्छी थी, वो कहती मैं आपको काउंट करके डाल देती हूँ, तो मैंने कहा डाल दो। उसके बाद ये हैं, उस दिन जो पैटीज लाए हैं वो मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, हालांकि कारफोर से लाए थे, और मेरे ख्याल में ओपास की थी, आई डोंट थिंक सो, ओपास नहीं था, बहरहाल जो भी था कोई सब रोज़ो या कैनन्स टाइप नहीं था, कैनन्स भी लाए वो भी पसंद नहीं है। अब ये सब रोज़ो लाए हैं, शायद इसको फ्लेवर, पहले कैनन्स ही खाती थी, इसको पसंद थी, लेकिन अब उनका फ्लेवर शायद सही नहीं आ रहा, या उनका शेफ़ चेंज हो गया, या उनका मेथड चेंज हो गया बनाने का, या उनका मटेरियल मसाला जात जो उनके हैं वो चेंज हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए अब इसको एक दफ़ा फिर, ये बहुत दफ़ा ट्राई है मैं ऑलरेडी, आप मेरी वीडियोस में देख रहे होंगे जो पहले की मतलब वीडियोज़ है मेरी, उसमें सब रोज़ मैंने ट्राई किया हुआ है, अच्छी होती हैं, लेकिन पैटीज में जो फ्लेवर है ना वो अच्छा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अपनी खुद की ब्रांड खोलूँ पैटीज की। ये पानी भी आता थोड़ी प्यास लग गया अभी, आते ही वीडियो बनानी होती है क्योंकि चीज़ें फिर अपनी अपनी जगह पर पहुँचानी होती हैं, तो ये बड़ी एफर्ट होती है वीडियो बनाना, को आसान काम नहीं है, यूट्यूब से पैसे लेना कोई सौखा काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है ये, ऐवें नहीं कि हर किसी ने मुँह उठा के चैनल बनाया और चलो जी हमारा चैनल चल गया और पैसे आने शुरू हो गया महीने के, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ये पहले की बात। टॉप सीक्रेट, और ये फ्रेंड्स सरप्राइज नहीं है, ये है अच्छा तो वो भी, ये है ब्राउन ब्रेड, उस दिन भी गलती से वाइट आ गई थी, ये है बनीस के जो है बंस। मैं सोचती हूँ फ्रेंड्स के जब मैं वायरल हो जाएगा मेरा चैनल और ये सारी चीज़ें, मेरी वीडियो से ज़्यादा इन चीज़ों पे होती हैं, मोबाइल्स पे भी होती हैं वैसे, वाशर ऑटो वाशर ये वो, अभी वीडियो बनेगी ऑटो वाशर पर भी या बन चुकी होगी शायद, अभी तक अपलोड नहीं हुई होगी, लेकिन ये चीज़ें तो मुझे सारी मिलेंगी, तो क्या मुझे राशन के भी पैकेजेस मिला करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, इतना राशन किधर जाऊँगी मैं लेके, तो फिर मैं सोच के मैं गरीबों को बांट दिया करूँगी। ये मेरी बेटी को आजकल बहुत फ्लेवर पसंद आ रहा है, मेरे हस्बैंड भी कभी कभी ये पी लेते हैं। ये क्या है, ये आपको दिखा देते हैं खोल के, सरप्राइज, और ये हैं अंडे, और ये दिए हैं मुर्गी ने, और फ्रेंड्स वो हैं ज़ीरो कोक्स, उसके बाद ये हैं जैपनीज फ्रूट, ओ एम जी ये कैसा जैपनीज फ्रूट है, ये देखिए फ्रेंड्स ये अल्लाह की कुदरत है, नो बॉडी कैन डू दिस। और उसके बाद ये हैं अंगूर, सुंदर खानी अंगूर, सुंदर खानी है ये, और उसके बाद ये हैं बनानास, और ये फ्रेंड्स किचन की इंतहा इम्पोर्टेंट चीज़, कुकर में रख के जैसे कहते हैं भून दूंगी तुम्हें, लेकिन मैं इसमें दालें शामिल नहीं भूनूंगी, बंदे भूनने की आदत नहीं है मुझे, बंदे मैं बातों से भून देती हूँ,
अच्छा उसके बाद फ्रेंड्स ये हैं मेरे बेबी के फेस फूड विप्स, फाइनली उसकी रालें कंट्रोल नहीं हो रही हमने यही सोचा है। ये देखें ये नीचे से इस तरह का स्टफ है ये, और ये ऐसे लगा के ये डिफरेंट नहीं है, ये बड़ी सॉफ्ट है, और ये तो इसके नीचे तो बकायदा ये प्लास्टिक भी लगा हुआ है। लेकिन जो चीज़ मैं चाह रही थी ना वो मुझे नहीं मिली ऐसे, मतलब पूरी पैन के पीछे जो बेल्ट टाइप ऑफ होती है ना, आपको तो पता ही होगा अगर आप शादीशुदा, अगर आप शादीशुदा नहीं है फिर आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, फिर आप मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन लें, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा करें। बच्चे से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए हो ना, आई एम टू मच एक्सपीरियंस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये है, इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। पहले मैं लगा के मुझे चेक करती इधर से चुभेगी तो नहीं उसको। अच्छा उसके बाद फ्रेंड एक ये भी है, ये भी आपको खोल देंगे। अगर मैं इतनी क्यूट लग रही हूँ तो मेरा बेबी कितना क्यूट लगेगा। फ्रेंड्स बहुत जल्द मैं चाह रही हूँ कि उसका फेस जो है मैं वायरल। क्यूट से शूज, पहले बूटीज आ रही थी उसकी, ये फर्स्ट शूज नहीं है उसके, लेकिन अब उसने वॉकर चलानी है। हाँ फ्रेंड्स तो आई है वॉकर, उसने अभी वॉकर चलानी है, तो ये मैं उसके शूज ले आई हूँ। एक नीचे की दिया कोई बात नहीं, उसके बाद अभी अल्लाह करे उसको साइज पूरा आ जाए। वैसे हम चेंजिंग कर रहे हैं लेकिन आज तक हम चेंज करने कभी गए नहीं। और फाइनली फ्रेंड्स ये है मेरे बेबी की वॉकर, यू कैन सी दिस, और इसको खोल के दिखाएंगे। फ्रेंड्स जितने देर में ये खुलती है, आप मैंने पहले भी एक क्लिप बनाया हुआ है शॉपिंग का, आप वो देखा है, तो उतनी देर में मैं इसको वॉकर को खोल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं कुछ भूल गई थी लाना, तो वो लेकर आई हूँ। ये फलियाँ लेके आई हूँ, आई लव फलियाँ, फलियाँ कीमा, फलियाँ चिकन। मेरी बेटी का पाँव आ गया मेरे नीचे, और इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में फिलहाल, मुझे जगह मैनेज करनी है, मुश्किल हो रही है। और बाकी ये 620 की सब्ज़ियाँ हैं, ये देखिए खीरे हैं, प्याज हैं, और ये सुरख मिर्ची तो दिखाई है आपको ऑलरेडी, ये हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, बंद गोभी, जिंजर, लेमन, ग्रीन चिलीज, और ये फाइनली आलू, और उसके बाद ये चिकन, ये फ्रेंड चिकन है, और ये चावल भी गोए हैं, पुलाव बन रहा है, ये आपने देखा कढ़ाई में, और उस तरफ से आए ये दाल आई हूँ, ये शामियों के लिए दाल, और ये मेरे हस्बैंड चिकन बोल रहे हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, खुश रखे हमेशा मेरे साथ, खुश रखे, मेरे हस्बैंड चिकन दो रहे हैं। फाइनली अनबॉक्सिंग हो गई है वॉकर की, ये बिल्कुल नीचे वाला साइज रखा है, अब इसमें बैठा के चेक करते हैं कि माशाल्लाह इसकी हाइट तो लंबी है, मुझे लगता है कि सेकंड वाले में आएगा, तो लेकिन ये कि जैसे बच्चा कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से आपने रखना है। ये नीचे में हमें तीन चार तीन बने हुए हैं, ये देखो, ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं गली गली, तो इसको भी बैठाते हैं माशाल्लाह वॉकर आने की कोशिश करते हैं। अभी स्टार्ट में तो नहीं करेगा, दो चार दिन इसको लगेंगे, लेकिन हो सकता है माशाल्लाह एक्टिव है बहुत, तो जल्दी स्टार्ट कर दें, जब करेगा फिर भी आपके साथ शेयर कर देंगे, या हो सकता है ना भी शेयर कर पाए, या फेस रिवील होगा फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये रेडी थी फ्रेंड्स आइसक्रीम बेचारी, शोरबा ना बन जाए इसका, ये निकलना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स आपको मेरी शॉपिंग में सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ कौन सी लगती है, आपको मेरी बातें मज़े की लगती हैं या मेरी शॉपिंग मज़े की लगती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट और मज़े मज़े की इंटरटेनिंग वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।